12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार योगी जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो? अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन हो? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शिकार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकते हो, जब आप मर जाएंगे मानवा दीजिए। आप सभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था। तुम भी तो दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? सब करते हैं। करो, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, इसीलिए चोर बोलता नहीं है। इसीलिए आपने नहीं बताया, उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी। कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे ये भी प्रो बता दूं। मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है? कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है सब पता है। बस बुलवाओ मत हमसे प्रीति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का। सिर्फ इस फोन में है, दोस्तों के फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। तो आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ पता है आप नंबर, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। तो आप नंबर किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आज तो तुम की नहीं है? नहीं है मेरे पास नंबर। नहीं आपके मन में चोर भी था तो इतने मेरे, अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे से इतना हक था तो बोलते हमसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था। हाँ नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है दूसरे को, कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहती थी। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हूँ कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही होगी जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला? वो जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला हो कि कौन होगा। अच्छा कौन होगा, कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं। 50 लोग फोन नहीं उठाते। फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता। 4 बार आया मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए था। हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ बताने के लिए, फोन कर रहा होगा, पहुँच गया हूँ और क्या, जो पता था। अब सोचिए मुझे नहीं पता, जो किसी ने सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस यही सब करेंगे करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो है, यही हमको पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी, नहीं यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा और तंजीज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा, आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती, बात करने की जरूरत। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ कलेक्ट, आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही हूँ कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो पूछ लेना। चलिए हमको न बताइए जहाँ थी, आपको भी पता है मुझे भी पता है ज्योति जी, 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता चल
भाई मैं 22 तारीख को मनीष सुधार बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात अच्छी ना, तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया की ऐसी बच्चों के लिए चुका लिया, चलो पहले आपके साथ स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति हूँ, पति हाँ पति बने रहा, मर जाओगे मर जाएंगे, मरवा दीजिए, हम नहीं मरवाएंगे, अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, हम क्यों मरवाएं, हम क्यों मरवाएं, हम क्यों मरवाएं, हम मर जाओगे। नहीं, हमने हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, टैक्स मांगने से टैक्स कितना लेके आए थे तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना, सब पैसा दिए थे, कम लाए थे कभी, तभी तो कम लाए थे, तुम्हारा खाना देते थे, फिर साल 5,000 उस दिन, उस दिन देखो हमारे पास वीडियो कार में आपके पापा कहते ना, भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग, बिल्कुल 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 5,000 कराए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, चलो हमको हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगा दो अभी ना, नौकरी नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम सब भी कमा खा लेंगे, शादी तो आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे साथ नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी, तो देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से, आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही, बस ठीक है ठीक, आप सब सस्ती जा रही है, यहाँ निकालिए समाज के लिए, आप डालिए, आप बताइए ठगना हमने, तो आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोची होगी, समाज कितना बड़ा फैसला होता है।